तो आज मैं खेलूंगा फीफा 23 अपने HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप में। तो अब देखते हैं कैसा चलता है। मैंने PSG लिया है और सामने मैन यूनाइटेड है, और ये गेम सेल पे है, 60% ऑफ है इस गेम में। तो आप लोग भी स्टीम से जाके इसको ले सकते हैं। और इस पर कंट्रोलर सपोर्ट नहीं कर रहा था जब मैं कीबोर्ड से खेल रहा था वैसे इसको, फिर उसके बाद मैंने सही कर लिया। तो काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो अभी तक का मतलब PC में FIFA 23 ज़्यादा अच्छा लगा, और ये मीडियम सेटिंग में चल रहा है, और बस MSI आफ्टर बर्नर सपोर्ट नहीं किया इस पर। तो भी आप FPS देख लो, 90 तक जा रहे हैं मीडियम सेटिंग में, वो भी 1080p में। तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से ये गेम। 16 GB रैम है और RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड है, और Ryzen 5 5600H प्रोसेसर डला है। तो 16 GB में तो ये गेम बहुत ही गजब चल रहा है, बिल्कुल लैग नहीं हो रहा मीडियम सेटिंग में, और इसको मैं अभी हाई में भी ट्राई करूँगा इसके बाद। तो मेरे लिए तो ये गेम बहुत ही अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। और अभी देखना है, थोड़ा सा लैपटॉप हल्का सा हीट हो रहा है, और इसको देख लेंगे बाद में अपन कि थोड़ा उसकी TDP कम करके और ये सब। बस थोड़ा शुरुआत में जब गेम चालू होता है तो एक प्रॉब्लम आती है एंटी चीट वाली, पता नहीं इस बार क्या डाल के रखे इन लोगों ने, ना MSI चलता है ना कुछ चलता है, बाकी तो सही है गेम। और आखिरी फीफा का गेम है और वर्ल्ड कप एडिशन है ये, तो वर्ल्ड कप के मैच इस पर भी आप खेल सकते हो। और कुछ लोग बोलते हैं गेम जब कट सीन में आता तो लैग होता है, मेरे में तो लैग भी नहीं हो रहा कट सीन में भी, मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे लैपटॉप में, मतलब उतना बुरा नहीं है जितना बोलते हैं कि HP के लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बने हैं कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, पर मेरे हिसाब से तो अच्छा चलता है। जैसे ये कट सीन आता है उस पर लोगों के 20-20 FPS हो जाते हैं, मेरा तो काफ़ी अच्छा चल रहा है उसके बाद भी। तो अब मैसी के पास बॉल आ गई और मैं गोल मार के दिखाता हूँ एक सेक्सी सा, वैसे बन नहीं रहा कीबोर्ड में, अरे गोल मार दिया, चलो सेलिब्रेट किया जाए। अब खाली इस मैसी को देखना, ये देखो कितना गजब बना है यार इसको। मैं हमेशा से खेला हूँ फीफा गेम, पर इस बार मैसी को बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियली का प्लेयर है। कल जो फीफा मैच देखा उसी से ऐसा लग रहा है वहीं का आ गया प्लेयर, पर इस बार का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है, हाइपर मोशन 2.2 जो टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से। मतलब फीफा 22 जब खेलो तो वो बहुत तेज़ चलता है, नेमार की स्किल्स करो उससे ना तो लग पता चलता है हाँ भाई कोई बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। इस पर एकदम धीमा धीमा करते हैं, स्किल्स भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं करते। बस इस बार का गेम प्ले थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का है कि ज़्यादा तेज प्लेयर भागते ही नहीं है। फीफा 22 में आप नेमार या एम्बापे को दौड़ा दो बॉल के साथ, 30-30 की स्पीड पार कर देते हैं उन लोग, ऐसा मेरे को लगता है। और इस पर बहुत धीमा धीमा दौड़ते हैं, डिफेंडर तक इससे आगे निकल जाता है, थोड़ा रियल तो है गेम। तो ठीक है, इससे ही रखते हैं गेम प्ले, काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा हैंडल किया इस गेम को, तो ठीक है, मिलते हैं बाद में।